अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगी फाइनली जो भी मैंने अपने बालों के साथ ट्रीटमेंट किया है। एक्चुअली मैंने जब स्टार्टिंग में अपने बालों के साथ जो भी किया था, हर व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने अपने बालों के साथ क्या किया है। बट कुछ लोग होते हैं ना कि एक दिन व्लॉग देखते हैं, 2 दिन नहीं देखते, 4 दिन नहीं देखते, कभी कभी अचानक से लोगों के ब्राउजिंग फीचर में आ जाता है व्लॉग। मतलब कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता तो सडन आके कभी व्लॉग देख लिए, तो अचानक से मेरे को कमेंट आने लग गया, भाजी आपके बालों के साथ क्या हो गया, ये स्ट्रेट कैसे हो गए, इसमें कलर कैसे आ गया, ये कौन सा कलर आपने करवाया, क्या आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराई है। तो नहीं, आपके सारे सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को दे दूंगी। ये स्ट्रेटनिंग नहीं है पहली बात, तो ये मैंने स्मूथनिंग कराई है जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। पहले तो मैं डर रही थी कि मेरे बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे, कैसी दिखूंगी मैं, क्या दिखूंगी, डरते डरते कराई। लेकिन बाद में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि आप लोग देखना मेरे पहले के बाल कैसे थे, आप लोगों ने देखा है मेरे पहले के बाल की इमेज भी मैं साइड में लगा दूंगी कि पहले मेरे बाल कैसे दिखते थे और आफ्टर स्मूथनिंग मेरे बाल कैसे दिखते हैं, मैं वो भी लगा दूंगी। और हाँ, स्मूथनिंग के डायरेक्ट बाद मैं कलर नहीं करा पा रही थी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मुझे कलर भी कराना है, तो वो बोले स्मूथनिंग के डायरेक्ट बाद कलर मत कराओ नहीं तो बाल डैमेज हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला था 10 दिन रुक के आप कलर करवाना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हुआ 10 दिन के बाद जाने के लिए, तो मुझे ज़्यादा लंबा समय हो गया, 22 दिन हो गए थे। मैं 1 मार्च के दिन कुछ कलर करवाई अपने बालों को, क्योंकि 2 तारीख को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता था, तो इस वजह से मैंने 1 मार्च को अपनी हेयर कलर करवाई। अब हेयर कलर मैंने कौन सा करवाया, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, तो मैंने चेरी रेड कलर का कलर करवाया था जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है। देखो पहले तो स्टार्टिंग में जब वो मेरे बाल पे लगा था फर्स्ट डे, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, एकदम सडनली काले बाल से लाल कलर हो गया मेरे बाल का, तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन जब दूसरे दिन मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे ना सबके, अरे हाँ क्या अच्छे बाल लग रहे तुम्हारे, तुम्हारे फेस पे सूट भी कर रहा है, इवन आप लोग ने भी कमेंट करके मुझे बोला कि वो मेरे बालों मेरे फेस पे ना वो कलर बहुत सूट कर रहा है, तो मैं वहाँ जाके सेटल हुई, मुझे खुशी हुई। जबकि मैंने पार्लर वाली को फर्स्ट डे बोला अरे ये तो वो ज़्यादा दिख रहा था, तब भी उन्होंने बोल दिया था अरे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब कलर लगता है ना तो फर्स्ट डे वैसे भी ज़्यादा लगता है, सेकेंड वॉश में वो थोड़ा हल्का होता है, और जैसे जैसे आप जब जब हेयर वॉश करोगे वो कलर हल्का 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 होते होते उतरता है, मतलब लास्ट करता है वो 2 ही महीना। अगर हेयर वॉश कम करेंगे तो 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा चल सकता है, अदरवाइज अगर आप ज़्यादा हेयर वॉश करते हो तो शायद 2 महीने से पहले भी निकल सकता है, तो उन्होंने वो चीज़ क्लियर कर दी थी मुझे। तो यहाँ पे ना मैंने फ़ैन बंद किया है, क्योंकि ना मुझे गर्म हो रहा है इसलिए बताना पड़ रहा है, मैं बात कर रही हूँ ना, अगर मैं फ़ैन चालू करूँगी ना तो फ़ैन की आवाज़ आएगी। तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत कंटिन्यूस थे कि ये स्ट्रेटनिंग है क्या स्मूथनिंग है, तो जी नहीं, ये स्ट्रेटनिंग नहीं है, स्मूथनिंग है। और मैंने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि प्रोसीजर उन्होंने क्या रखा। अब वो मुझे ये भी बोल रहे थे मुझे चाहिए था केराटिन कराने को, क्योंकि मैं पहली बार अपने बाल में ये कराई ना, स्मूथनिंग वगैरह कराई, कलर वगैरह कराई, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था बाल डैमेज ना हो जाए, तो मैंने बोला कि मुझे कैरेटिन कर दो। तो लेकिन उन्होंने सामने से पूछा इससे पहले कभी कैरेटिन कराया हो क्या तुमने, मैं बोली हाँ मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कैरेटिन के बाद क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती है कुछ कुछ लोगों को। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुमको कुछ दिक्कत आई थी क्या कैरेटिन के बाद, तो देखो लिटरली मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने घर पर बुलाया था और घर पर मैंने कैरेटिन कराया था, और मैंने आप लोगों से लिटरली ये भी शेयर किया था कि कैरेटिन कराने के बाद 6 महीने मेरे बाल बहुत जड़े, तो तब से मैं डर गई हूँ और तब से मैंने अपने बालों के साथ सैलून में पार्लर में जाके कुछ नहीं कराया था डायरेक्टली। उसके बाद अब भी मैं गई थी यहाँ, उसके पहले कटिंग भी इवन मैं अपने घर पे ही कर रही थी, आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि मैंने अपने बालों को काट के एकदम छोटा कर डाला था, क्योंकि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी, मतलब उसका ख्याल नहीं रख पा रही थी, उसको केयर नहीं कर पा रही थी, तो ऐसा है। और तभी मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, तो दोनों जगह मेरा ध्यान नहीं चल रहा था, दांत में और बाल में, तो ऐसा। उसके बाद ही मेरे बाल इतने छोटे हुए थे, जो भी केयर करनी रहती थी मैं घर पे ही करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर कैरेटिन नहीं सूट होता है, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप कैरेटिन मत कराओ। तो मैं बोली फिर प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मेरे बाल तो डैमेज हो जाएंगे ना इतना कलर और इतना सब होने के बाद। तो बोले आप स्पा कर लो, तो उन्होंने मुझे स्पा का आइडिया दिया था, और यहाँ पर देख सकते हैं स्पा के बाद मेरे बाल अच्छे लगने लगे और ज़्यादा, ये देख सकते हैं। लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, आप देख सकते हैं मेरे बाल की शाइन बाबा माशाल्लाह, ये देखिए लग रहा है कि 1-1.5 महीना हो गया ये स्मूथनिंग, और कितना मस्त है ना अभी भी शाइन, आप खुद ही देख लीजिए इमेज बिफोर एंड आफ्टर। और हाँ, स्मूथनिंग कराने के बाद जो है ना मेरे बाल की लेंथ ना थोड़ी सी बड़ी भी दिखती है, स्मूथनिंग कराने के पहले बहुत छोटे लगते थे बाल, और स्मूथनिंग कराने के बाद है ना लेंथ बड़ी भी लग रही है मुझे, उस बात की खुशी हो रही है मुझे तो ऐसा, क्योंकि मेरे पहले बाल बहुत अच्छे खासे थे, लंबे बड़े, लेकिन मैंने खुद ने काटा था, लेकिन किसको नहीं चाहिए अच्छे बाल ना, सिल्की शाइनी बाल किसको चाहिए नहीं होते, तो मैंने कराई थी। तो हाँ,
साथ ही साथ आप लोगों ने कमेंट भी पूछा था, मुझे पूछा था कि आपने कहाँ से कराया है ये, अपने आज बता ही देती हूँ कि ना मैंने ये कहाँ से कराया है, स्मूथनिंग कलर जो भी मैंने अपने हेयर का ट्रीटमेंट कराया कहाँ से कराया, मैं आज आप लोगों को बता ही देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कमेंट में आप लोगों को आंसर नहीं कर पाऊंगी ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो ये एक ही वीडियो में सारे जो भी कमेंट आप लोगों ने किया है वो जो जो मुझे याद है, जितना मुझे याद है मैं वो कवर करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो ये है वो पार्लर जहाँ से मैंने करवाया है जो भी अपने बालों में ट्रीटमेंट, सनास सलोन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप चाहो तो ये सेव कर सकते हो अगर आपको कभी यहाँ आना हो तो, अदरवाइज़ मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आप लोगों को आना हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आ सकते हैं। तो ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है हमारे सना आपा जिन्होंने मेरे हेयर ट्रीटमेंट किया है, देख सकते हो। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए ये कलर कराए थे इन्होंने मेरे बाल में, सेम यही कलर करे थे, लेकिन हाँ मेरा कलर उतर गया क्योंकि मैं गर्म पानी से बहुत नहाती हूँ ना, तो इस लेकिन इन्होंने मेंटेन बहुत अच्छा किए है ना, बहुत अच्छी से रखे है ना, यही कलर करवाए थे इन्होंने मेरे बाल में, इनके शाइनिंग भी हो रही है ना, माशाल्लाह। तो मैं घर पे बोल रही थी ना आप लोगों को कि मैं केराटिन नहीं कराई, क्योंकि इन्होंने बोले अगर एक बार रिजल्ट अगर आपको केराटिन से बाल झड़े तो मत कराओ, तुम स्पा कर लो, तो फिर मैंने स्पा ही करी अपने बाल में। स्पा करने के बाद मेरे बाल तो और ज्यादा अच्छे लगने लगे थे, आपको साइड में उसकी भी क्लिप देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत अच्छे हो गए है ना। अभी कैसे भी रबड़ भी बांधती हूँ, चटाई भी बांधती हूँ ना, तो इन्होंने बोले थे मुझे थोड़ा बहुत बाल मुड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा नहीं मुड़ रहा मेरा बाल, हेयर वॉश के बाद वापस से वैसे हो जाता है। ये देखो अभी मैंने रबड़ बांधी थी ना, लेकिन फिर भी देख सकते हैं है? तुम पे ये ना कलर बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, ट्रेंड चल रहा है ये कलर का ट्रेंड चल रहा है। मैं अभी आपको ना सनापा का ना पार्लर अंदर से दिखाती, और इन्होंने ना कुछ एक नया प्रोडक्ट भी आया है बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर सकती यार क्योंकि मैंने ना कलर करवा लिया, हाँ बोटॉक, क्योंकि ना कलर मैं अभी अगर वो करवाऊंगी ना तो आपा बोल रहे हैं कि जो कलर है ना और जल्दी पटाख से निकल जाएगा है ना, बोटॉक्स का रिजल्ट भी अच्छा है। मैं बताती हूँ बैक कैमरा से, तो ये है बोटॉक्स, कुछ इनका ऑफर चल रहा था वुमेंस डे के लिए, तो लेकिन वुमेंस डे चला गया, ये ऑफर भी चला गया। देखिए रिजल्ट कुछ इस तरह का है, ये डैमेज हेयर हो जाते हैं ना तो उसके बाद बोटॉक्स करेंगे तो कुछ ऐसा आता है, लेकिन मैं हैप्पी हूँ फिलहाल तो स्मूथनिंग से अपनी। अगर आप करवाना चाहते हो बोटॉक्स तो सनापा को कॉन्टेक्ट करें, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सनापा का क्यूट सा छोटू सा बड़ा प्यारा सा पार्लर, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने टाइम स्पेंड किया था। तो यही है ना वो नया प्रोडक्ट जो आया है सनापा, हाँ यही है ना, काफी कमेंट्स भी अच्छे आए इसके, हाँ क्या हर क्लाइंट ने कमेंट्स अच्छे किया माशाल्लाह, और जितने भी क्लाइंट आते हैं ना मैंने देखा यहाँ पे ना आपा की तारीफ बड़ी करते हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से नाजिया भी बहुत अच्छे हैं, नेचर के बहुत अच्छे हैं, अगर सामने से उनको देखो तो मालूम पड़ेगा, अच्छा साफ दिल के, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इनका अपॉइंटमेंट था लेकिन मैंने जैसे ही बोली ना मेरे को आने का बाबा, मेरे व्यूवर्स लोग के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बढ़ गए तो बोले आ जाओ, तो उन्होंने ना मेरा टाइम छोड़ के आधा घंटा गैप लिए अपने दूसरे क्लाइंट के लिए, मेरे वजह से नुकसान हो गया ना वाली का, अच्छा लगा तुम्हें है ना, तो ऐसा मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं आती, मैं कभी भी ऐसा धड़ से पड़ जाती तो ऐसा अपनापन है ना इसके लिए। अच्छा मेरे कमेंट मेरे व्यूवर्स लोग ने मुझसे पूछा कि ये तुमने कहाँ से कराया नाजिया, मेरे पीछे एक डेढ़ महीने से लगे हुए, अब मैंने ये वीडियो शेयर कर दिया यूट्यूब पे, तो अभी ऑब्वियसली वो लोग ये वीडियो देख के आएंगे आपके पास, तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या दोगे, मैं उनको 10% का डिस्काउंट दूंगी, 10% दोगे जो नाजिया का वीडियो देख के आएगा, अच्छा तो कैसे पता चलेगा, अभी आएगा तो 10% का डिस्काउंट, तो कैसे पता चलेगा कि वो मेरे थ्रू आए हुए करके, तो जो वीडियो देखेगा उनको ही पता चलेगा ना कि 10% डिस्काउंट है, वो आते से यही बात करेगा, जिसने वीडियो नहीं देखा उसको पता कैसे चलेगा, हाँ ये भी है, तो ना जो भी आएंगे ना सनापा के पास तो सीधे सीधे ना आके बोल देना नाजिया के वीडियो देख के आए हैं, तो सनापा आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे जो भी आप कराओगे, तो ऐसा है। बाकी जो भी आना अपनी मर्जी से, आपको मेरे बाल अच्छे लगेंगे या इनकी सर्विस जो भी आप लोग एक डेढ़ महीने से मेरे बाल में देख रहे हो तो ही आना, ऐसा नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप आओ करके, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर आइए, सनापा को कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे जो चाहे वो करवा लीजिए, स्किन केयर हेयर केयर सब करते हैं माशाल्लाह, हमारी यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है, आप भी आओगे आपको भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, तो चलो फिर वीडियो का एंड करो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।